इस वीडियो में हम वो तीन हरूफ जानेंगे जिनसे बनने वाले अल्फाज कुराने करीम में 1500 से ज्यादा मरतबा इस्तेमाल हुए हैं। वो तीन हरूफ कौन से हैं और उनसे बनने वाले अल्फाज 1500 मरतबा कुराने करीम में कैसे इस्तेमाल हुए हैं, ये तफसील के साथ इंशाल्लाह हम इस वीडियो में समझेंगे। और हमारी इन काविशों का मकसद ये है कि हम अरबी जबान में भी उबूर हासिल करें और कुराने करीम भी हमें समझ में आए आसान तरीके से। तो हमारे सामने जब ये होता है कि भाई इतने हजार अल्फाज हमें समझ में आ गए, तो इससे हमारा हौसला बढ़ता है और सीखने का रास्ता हमारे लिए, सीखने का जो सफर है वो आसान हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो कौन से तीन हरूफ हैं जिनसे बनने वाले अल्फाज कुराने करीम में 1500 से ज्यादा मरतबा इस्तेमाल हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद उसामा सरसरी। इस वीडियो में जिन तीन हरूफ को हम सीख रहे हैं वो हैं काफ, वाव और लाम। काफ, वाव और लाम के मिलने से लफ्ज़ बनता है कौल। कौल अरबी में कहते हैं कहने को, अल कौलु कहना। तो ये जो काफ, वाव और लाम तीन हरूफ हैं, इन हरूफ से इल्मु सर्फ की रोशनी में बनने वाले 32 अल्फाज ऐसे हैं कि जिनकी कुराने करीम में इस्तेमाल होने वाली तादाद को अगर हम सामने रखें तो हम कह सकते हैं कि काफ, वाव, लाम से बनने वाले अल्फाज कुराने करीम के अंदर 1500 से ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल हुए हैं। वो तीन हरूफ काफ, वाव और लाम हैं और वो 32 अल्फाज एक एक करके मैं भी आपके सामने पेश करूंगा, लफ्ज़ बताऊंगा, उसका उर्दू तर्जमा बताऊंगा और कुरान करीम से उसकी एक आयत पेश करूंगा, ताकि आपके सामने आ जाए कि ये लफ्ज़ कुरान करीम में कैसे इस्तेमाल हुआ है, इसका क्या मतलब है, और उसकी तादाद बताऊंगा। ये तादाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश करके खुद गिनी है। इन तादाद में कोई कमी बेशी अगर होती है तो अल्लाह ताला हमारी इस कमी बेशी को माफ़ फरमाए, क्योंकि हमारी हर कोशिश इंसानी सतह पर होती है और उसमें गलती का बहरहाल एहतमाल होता है। तो चलिए अब उन 32 अल्फाज को समझते हैं। इनमें से पहला लफ्ज़ है कील, और ये मस्दर है, इसका तर्जमा है कहना। और कुरान करीम में ये दो तरीक़े से इस्तेमाल हुआ है, कीली जैसे वकीली ही या रब्बी, और दूसरा कीलन जैसे इल्ला कीलन सलामन सलामा। ये लफ्ज़ कुरान करीम में 4 मरतबा आया है और इसका तर्जमा है कहना। इसी तरह एक और लफ्ज़ है कौल, इसका तर्जमा भी है कहना, और ये लफ्ज़ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है जैसे कौल फ़ैल। कुरान करीम में लफ्ज़ कौल 90 से ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल हुआ है जैसे कौलुहुल हक। तीसरा लफ्ज़ है काला, कुरान करीम में ये लफ्ज़ 450 से ज़्यादा मरतबा आया है, इसका तर्जमा भी याद कर लें। इसका तर्जमा है उसने कहा, और ये मर्द के लिए होता है, अगर कहने वाला मर्द हो तो कहते हैं काला, जैसे काला फमा खत्बुकुम अय्युहल मुरसलून। चौथा लफ्ज़ है काला, लाम के बाद अलिफ भी है, इसका तर्जमा है उन दो ने कहा, और ये भी मर्दों के लिए है। ये कुरान करीम में 2 मरतबा आया है जैसे काला रब्बना ज़लमना अनफुसना। हज़रत आदम व हव्वा अलैहिमस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी थी, रब्बना ज़लमना अनफुसना, तो काला का मतलब है इन दो ने कहा। पांचवा लफ्ज़ है कालू, ये भी कुरान करीम में बहुत आया है, 315 से ज़्यादा मरतबा आया है, और इसका तर्जमा है उन सब ने कहा, और ये भी मर्दों के लिए है जैसे कालू आमन्ना। छठा लफ्ज़ है कालत, इसका तर्जमा है उसने कहा, और ये औरत के लिए है। कुरान करीम में कालत 40 से ज़्यादा मरतबा आया है जैसे कालत हुवा मिन इंदिल्ला। सातवां लफ्ज़ है कालता, इसका तर्जमा है उन दो औरतों ने कहा,
ये कुरान करीम में दो मरतबा आया है, जैसे क़ालता अतैना ताइईन। आठवां लफ्ज़ है कुलना, इसका तर्जमा है उन औरतों ने कहा, और इसका एक तर्जमा और भी है तुम कहो। ये औरतों के लिए है, यानी तुम औरतें कहो, अमर और उन औरतों ने कहा, माजी दोनों के लिए कुलना आता है। ये कुरान करीम में तीन मरतबा आया है, जैसे कुलना कौलम मारूफा। नवा लफ्ज़ है कुलता, इसका तर्जमा है तूने कहा, और ये कुरान करीम में चार मरतबा आया है। दसवां लफ्ज़ है कुल तुम लोगों ने कहा, कुरान करीम में आठ से ज़्यादा मरतबा आया है। ग्यारहवां लफ्ज़ है कुल तू, मैंने कहा, ये कुरान करीम में दो मरतबा आया है। बारहवां लफ्ज़ है कुल ना, हमने कहा, और ये कुरान करीम में 25 से ज़्यादा मरतबा आया है। तेरहवां लफ्ज़ है कीला, इसका तर्जमा है कहा गया, कुरान करीम में ये लफ्ज़ 30 से ज़्यादा मरतबा आया है। चौदहवां लफ्ज़ है यकूलू, यकूलू का मतलब है वो कहता है या वो कहेगा, और ये लफ्ज़ कुरान करीम में 65 से ज़्यादा मरतबा आया है। पंद्रहवां लफ्ज़ है यकूला, इसका तर्जमा है वो दो कहते हैं या वो दो कहेंगे, ये एक ही मरतबा आया है। सोलहवां लफ्ज़ है यकूलूना, और इसका तर्जमा है वो कहते हैं या वो कहेंगे, 100 से ज़्यादा मरतबा कुरान करीम में आया है। सत्रहवां लफ्ज़ है तकूलू, और इसके दो तर्जमे होते हैं, वो कहती है या वो कहेगी, तू कहता है या तू कहेगा, कुरान करीम में 12 से ज़्यादा मरतबा ये लफ्ज़ आया है। अठारहवां लफ्ज़ है तकूलूना, तुम लोग कहते हो, तुम लोग कहोगे, 20 से ज़्यादा मरतबा आया है। उन्नीसवां लफ्ज़ है अकूलू, इसका तर्जमा है मैं कहता हूँ या मैं कहूँगा, ये लफ्ज़ कुरान करीम में 8 से ज़्यादा मरतबा आया है। बीसवां लफ्ज़ है नकूलू, और इसका तर्जमा है हम कहते हैं या हम कहेंगे, कुरान करीम में ये लफ्ज़ 11 से ज़्यादा मरतबा आया है। इक्कीसवां लफ्ज़ है लम अकुल, और इसका तर्जमा है मैंने नहीं कहा, कुरान करीम में ये लफ्ज़ 5 मरतबा आया है। बाईसवां लफ्ज़ है कुल, कुल कुरान करीम में 300 से ज़्यादा मरतबा आया है, इसका तर्जमा है तू कह या तुम कहो। तेईसवां लफ्ज़ है कूला, इसका तर्जमा है तुम दो कहो, और ये कुरान करीम में सिर्फ 3 मरतबा आया है। चौबीसवां लफ्ज़ है कूलू, इसका तर्जमा है तुम सब कहो, 11 से ज़्यादा मरतबा ये लफ्ज़ कुरान करीम में आया है। पच्चीसवां लफ्ज़ है कूली, तू औरत कह, यानी तू कह, और ये औरत को कहा जाता है कूली। जब आप किसी औरत से कहें कि तू कह या तुम कहो, तो आप कहेंगे कूली, कुरान करीम में ये लफ्ज़ एक ही मरतबा आया है। 26वां लफ्ज़ है ला तकुल, मत कहो या मत कह, ये भी एक ही मरतबा आया है। 27वां लफ्ज़ है ला तकुलू, और इसका तर्जमा है मत कहो, कुरान करीम में ये लफ्ज़ 6 मरतबा आया है। 28वां लफ्ज़ है काइल, और ये 4 मरतबा आया है, इसका तर्जमा है कहने वाला। ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, जैसे मैं इस बात का काइल नहीं हूँ, यानी मैं इस बात का कहने वाला नहीं हूँ। 29वां लफ्ज़ है काइलूना, और इसका तर्जमा है कहने वाले, ये लफ्ज़ कुरान करीम में एक ही मरतबा आया है। 30वां लफ्ज़ है काइलीना, इसका तर्जमा भी है कहने वाले, और ये भी कुरान करीम में एक ही मरतबा आया है। अब काइलूना और काइलीना में क्या फ़र्क है, ये सर्फ जानने वाले समझ जाएंगे कि हालत रफ़ी और नस्बी का इनमें फ़र्क है। 31वां लफ्ज़ है तकव्वला, उसने बात घड़ी, और ये लफ्ज़ कुरान करीम में 2 मरतबा आया है, और ये बाब तफ़ाउल है क़ाल यक़ूलू से। 32वां लफ्ज़ है अकावील, और इसका तर्जमा है बातें, ये लफ्ज़ कुरान करीम में एक ही मरतबा आया है। दरअसल कौल का मतलब है बात, और उसकी जमा है अकवाल, अकवाल की जमा है अकावील। कुरान करीम में कौल भी आया है, अकावील भी आया है, लेकिन अकवाल नहीं आया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आप परेशान ना हुआ करें कि आप में से बाज़ लोग कमेंट्स में कहते हैं कि आप बार बार वीडियो में क्यों आ जाते हैं। मैं सिर्फ़ इसलिए आता हूँ कि सीखने और सिखाने का जो हमारा रिश्ता है, इसमें जितनी ज़्यादा मुनासिबत कायम होती है, सीखने का काम उतना ज़्यादा आसान हो जाता है। मैं आपसे और आप मुझसे, हम एक दूसरे से सीख रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर वीडियो में हमारा तरीक़ेकार ये होता है कि वीडियो के शुरू में
खुलासा पेश हो जाए कि वीडियो में है क्या, ताकि जिनकी दिलचस्पी नहीं है वो ये वीडियो ना देखें और जिनकी दिलचस्पी है वो उस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें। तो अगर आपने मेरी ये वीडियो मुकम्मल देखी है तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके दोस्तों के लिए भी मुफीद है तो उन तक आप इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। अरबी सीखना चाहते हैं, कुरान करीम को समझना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह इस चैनल पर आपको ये दोनों चीज़ें वक्तन फवक्तन सीखने को मिलती रहेंगी। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, फी अमानिल्लाह।